गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कुछ अलग सा ही मैंने वेलकम कर दिया आज। एक्चुअली सुबह सुबह उठ के जल्दी नहाने की आदत सी छूट गई है, लेकिन अभी पापा के लिए भोग बनाना होता है, प्रसाद बनाना होता है तो एंड बच्चों को स्कूल भेज के फिर शावर लेके मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा आज कुछ नया तरीके से वेलकम करती हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो गई। तो चलिए जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टूडियो कला संगम पर, और मैं हूँ यूट्यूबर अनुश्री। नहीं स्टिल मैंने गलत बोला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो ना एक बार जो बोलने लगते हैं आई थिंक वही मुंह पे बैठ भी जाता है और वही सुनने में अच्छा भी लगता है। तो चलिए आपका हो गया है वेलकम। अब बप्पा के लिए हमें तैयारी करनी है, उनके लिए आज हम वही प्रसाद बनाएंगे, भोग बनाएंगे। और आज राज भी आ रही है वापस इंडिया से, तो जो भोग बनेगा वो उसको भी भेजेंगे ताकि उसको थोड़ा रेस्ट रहे और वो आराम से खाना भी खाए और भोग का आनंद भी ले। तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ जुकीनी कढ़ी और आलू की सब्जी, क्योंकि बच्चे जनरली आलू की सब्जी खा लेते हैं, तो लाइक बिल्कुल सिंपल आलू की सब्जी। कनुषी से हेलो एवरीबॉडी। हेलो। सो अब कनुषी के जाने का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। ये भी कनुषी भी स्कूल जाएगी राइट? कनुषी भी किंडरगार्टन जाएगी। तो और मुझे आज पता नहीं क्यों भूख सी लग रही है, क्योंकि कल जल्दी खा लिया था। तो अभी कुछ तैयारी भी करते हैं और सोच रही हूँ कि थोड़ा पोहा बनाती हूँ, तो पापा को भी दे दूंगी और खुद भी खा लूंगी। आ गई हूँ मैं किचन में और अच्छे से वॉश कर रही हूँ जुकीनी को, क्योंकि आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल जुकीनी। और बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, और अगर बिना गार्लिक अनियन के आपको बनाना है तो भी बहुत बढ़िया है, और अगर कुछ अलग खाना है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। तो जुकीनी को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। तो मैंने लगभग 3 जो है जुकीनी ली है, फुल साइज़ जुकीनी। और यहाँ पे ना मैं कढ़ी की तैयारी भी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो हम थोड़ा सा बेसन को जो है पहले से भिगो के रख देंगे ताकि पकौड़ियाँ अच्छी बने। तो इसको अच्छे से देखिए आप ऐसे मिक्स कर दीजिए, और मैं इसमें ऑयल वॉयल कुछ मिक्स नहीं करती। अगर आप टाइम से लाइक हाफ एन आवर पहले या 40 मिनट्स पहले ही इसे गला देंगे ना, तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेगी। इधर हम ले लेंगे दही कढ़ी बनाने के लिए, और हम दही में हींग, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पहले से डाल के रखते हैं। और एक्चुअली ये छाछ की कढ़ी होती है, क्योंकि दही में हमने पानी ऐड कर दिया है। और बेसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेसन के बिना आपकी कढ़ी बनी नहीं सकती, दही आपका फट जाएगा, तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आप इसको अच्छे से देखिए मिक्स कर लीजिए, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें मसाले डाल लीजिए सारे, हींग ना भूलिए। तो हींग या तो आप अभी भी डाल सकते हो, नहीं तो फिर तड़के में, जैसा भी आपको पसंद हो। तो मैं तड़के में डालूंगी, तो मैंने अभी इसमें मसाले डाल के, और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है जुकीनी बनाने के लिए। तो क्योंकि साउथ इंडियन रेसिपी है तो राई जीरे के साथ हमने डाला है कढ़ी पत्ता भी। तो बस इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नारियल डालेंगे, नारियल को थोड़ा सा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, और फिर उसमें डाल देंगे ये कटी हुई जुकीनी। अब इसको ना आपको ढकना नहीं है, इसको आपको खुले में ही पकाना है, और आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी। इसमें हल्दी और नमक डाल दीजिए और थोड़ी हींग, तो फिर इसके बाद वो अपने ही वाटर में पकेगी, क्योंकि जुकीनी पानी छोड़ेगी। और आप इसको ढकिए मत, नहीं तो वो सौगी हो जाएगी, ठीक है? तो बस खुले में पकाइए, और आँच जो है गैस की फ्लेम वो मीडियम रखिए, और बीच बीच में ऐसे इसको चलाते रहिए ताकि ये चिपके नहीं, जले नहीं। इसे बिना ढके बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। अब इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने ले लिया है ज़ीरा, क्योंकि मैं ढोकले भी फ्राई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया आज राज के लिए खाना भेजूँगी, तो ढोकले के लिए मैंने इसमें ले लिया है राई, उसके बाद कढ़ी पत्ता, और तिल भी लिया है मैंने, हरी मिर्च, और धनिए को भी ना आप थोड़ा सा ऑयल में ही डाल दीजिए, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने ढोकले जो है स्टीम करके रात में ही रख लिए थे। अब इसकी एक टिप है, अगर आप ये सूजी के ढोकले हैं तो जो मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग में भी सिखाए थे बनाना, तो इसके लिए ना आपने अगर रात में स्टीम किया है तो सुबह आप उसको हल्का सा एक बार माइक्रो करके फिर छौंकिए। अच्छा, इधर जुकीनी की सब्ज़ी पे आ जाते हैं। इसमें मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो लाल मिर्च कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ हरी मिर्च डाल सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको ढोकले के बारे में बता रही थी कि आप उसको हल्का सा स्टीम करके छौंकिए तो वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, और जब आपको खाना हो तभी छौंकिए तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और देखिए यहाँ पे ना जुकीनी को मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ और देख रही हूँ पकी या नहीं, अभी भी इसमें टाइम था। अब हम थोड़ा सा ज़ीरा आलू बना लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बच्चे आलू की सब्ज़ी खाते हैं, और मुझे राज ने कहा था कि सिर्फ हल्दी नमक वाले भेजना, तो मैंने इसमें बस तेल में थोड़ा ज़ीरा डाला, बॉइल्ड पोटैटोज़ डाले, हल्दी, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। पर जैसे अगर मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़े से मसाले इसमें ऐड करती हूँ और एक कसूरी मेथी भी डालती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं आलू उससे बने हुए। तो यहाँ पे देखिए मेरी जुकीनी भी धीरे धीरे तैयार हो रही है, आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। तो इस तरीके से ना ये सारी जो क्विक रेसिपीज़, अगर कभी आपका मन नहीं है और आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप ट्राई कर सकते हो, पराठे के साथ पूरी के साथ अच्छी लगती है। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ रेडी है। कढ़ी की रेसिपी मैंने आज आपको नहीं दिखाई, बहुत बिजी थी पूरा दिन, क्योंकि भगवान जी का भोग भी बनाना था, राज के लिए भी खाना बनाना था। देखिए यहाँ पे मेरी फूली फूली रोटियाँ रेडी है, और क्योंकि भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ तो रोटी मैटिक से नहीं बना रही, हाथ से ही बेल के जो है उनको मैं भोग लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने रोटियाँ बना के कैसरोल में रख ली। उसके बाद अब यहाँ लगाते हैं हमारी थाली आज की, जिसमें है ढोकला, कढ़ी, जुकीनी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी यानी ज़ीरा आलू। और फिर हम रख देंगे रोटी, जल और चम्मच, जैसा कि हमेशा मैं थाली लगाती हूँ। बताइएगा आज की थाली आपको कैसी लगी। और फिर चलते हैं सीधे संध्या आरती में, और आपको मिलवाती हूँ कि आज कौन आया हमारे घर। हाँ जी, सो आज आए हैं घर में नीता एंड आर्षा, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही प्यारे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं। आज ये दर्शन के लिए आए हैं, एंड हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मेरे गिरने के बाद, एक्चुअली रिकवरी के बाद अब पहली बार हम मिल रहे हैं, बट अब हम मिलते रहेंगे, वो भी इस ओकेजन पे, इतने ऑस्पिशियस डे पर हम लोग मिल रहे हैं। तो साथ में आरती करेंगे और चैंटिंग भी करेंगे, और ना नीता लेके आई है बप्पा के लिए लड्डू, तो वो भी खाएंगे। सो आर्षा एंड नीता दोनों ही जर्मनी से पीएचडी कर रहे हैं, एरलांगन से, और ये दोनों मेरे डांस स्टूडेंट्स भी हैं। आज बप्पा के दर्शन के लिए घर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग ना जल्दी ही आपके लिए बहुत सारे डांस वीडियोस लेकर आएंगे, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ इतने लंबे ब्रेक के बाद। जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया था नवंबर 2023 में, अभी भी मैं फुली रिकवर नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये इतने प्यारे हैं, एंड जो मेरे बच्चे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी कंफर्टेबल फील करो अपनी क्लासेस स्टार्ट करो, तो मैं जल्दी ही करूँगी। और ये जो सारी एनर्जी है ना, ये मुझे मिल रही है बप्पा से। तो चलिए अब साथ में मिल के करते हैं बप्पा की आरती। मंदार माला कुलदार गाए कृपाल माला।
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम च नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो आज नीता अपने हाथों से नारियल के लड्डू बना के लेके आई थी, जो हमने गणपति जी को प्रसाद में चढ़ाए, फिर हम सब ने खाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इतनी दूर से बप्पा के दर्शन के लिए आए। फिर हम लोग एज़ यूजुअल साथ में बैठे, हमने बातें की, चैंटिंग की, और ना बहुत सारी बातें करना पेंडिंग था, क्योंकि इतने टाइम से ना हम बस सोच रहे थे मिलेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था मिलना। और ये जो दोनों बच्चे हैं, इनको जब मैं देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है ना, कि लड़कियाँ हमारे भारत से इंडिपेंडेंटली बाहर आ रही हैं, पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है। और ये अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करती हैं, और मैं पूछ रही थी इनसे कि कौन से सब्जेक्ट में ये PhD कर रही हैं, क्या प्रोसीजर होता है। एंड वी वर इवन डिस्कसिंग कि इस बारे में भी हमें अपने व्लॉग्स में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्द ही ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया से और इतना कुछ अचीव कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जर्नी आप तक लेके आऊँ। तो क्यों ना एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जाए। आप बताइएगा आपका क्या कहना है। मैं आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स एंड सजेशंस कि क्या मुझे ये पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। एंड इसमें मेरा आइडिया जो है ना, वो है इनफेमसली फेमस पीपल, यानी कि वो लोग जो अपने आप में फेमस हैं, इवन दो वो कोई YouTube पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा फेमस आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आई थिंक दे कैन इंस्पायर अदर्स। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। एंड यू नो, जब भी हम बप्पा के सामने बैठते हैं, आग बंद करके चैंटिंग करते हैं ना, हमें उसके बाद इतना पॉजिटिव फील होता है कि सही दिशा जीवन में हमें नज़र आने लगती है, और ऐसे ही आइडियाज़ और इंस्पिरेशन हमें लाइफ में मिलते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी हमारे घर आएँ वो बप्पा के सामने थोड़ी देर बैठें और उस एनर्जी को महसूस करें। आई एम श्योर आप भी करते होंगे मेरे व्लॉग्स को देखकर। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और मेरी बात से आप अग्री करते हैं कि मेरे व्लॉग्स एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं सबको, तो लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।